अस्सलाम वालेकुम। यकीन करें कि मुझे खुद भी आइडिया नहीं था कि भाई आप लोगों को सिर्फ सिखाते सिखाते वीडियो बनाते बनाते मुझे इतनी ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो $12 की मुझे अर्निंग यहाँ पे शो हो रही है, $12.41 की अर्निंग, ठीक है। और अगर डेट वाइज दिखाऊँ आप लोगों को तो यहाँ पर ये देखें कि इस डेट को मुझे हुई है जी $10 की अर्निंग, और उसके बाद अगर आप लोग चलते जाएँ तो $1 की, $0.5 की, वगैरह वगैरह, इस तरीके से बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे अर्निंग मिल रही है, खुद ब खुद मिल रही है। मुझे खुद भी नहीं पता कि भाई ये कब बनाई थी मैंने, और मुझे खुद भी नहीं पता कि ये किस दिन बनी थी, ठीक है। ये तो मैंने बाई चांस आज अपना अकाउंट ओपन करके देखा कि यार मैंने आप लोगों को एक आइडिया समझाया था, तो मैं ज़रा उसको ज़रा देखूँ तो सही कि भाई मेरे अकाउंट के साथ क्या बना। तो भाई आप लोगों की आंखों के सामने मुझे $12 अर्निंग हुई है, बगैर कोई काम किए, बगैर कुछ किए, जस्ट मैं 5 से 6 मिनट की मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में आप लोगों को ये प्रोसेस समझा रहा था, और उस 5 से 6 मिनट के अंदर मैंने इतना पैसा कमा लिया। कैसे कमा लिया, कंप्लीट डिटेल्स आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। बस आप लोगों ने वीडियो के साथ बने रहना है, और वीडियो में जो जो बातें आप लोगों को समझाऊंगा उसको वैसे ही इंप्लीमेंट करना है आप लोगों ने। मैंने तो एक बार हल्का सा काम किया था और मुझे यहाँ पे $12 अर्निंग हो गई। अगर आप लोग डेली बेसिस के ऊपर काम करते हैं तो आप लोगों को डेली की $20, $25, $30, $50 तक अर्निंग हो सकती है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान काम है, खुद किया है, पैसा कमाया है, देन आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। आइए जरा कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को तमाम डिटेल्स इंशाल्लाह आज के इस वीडियो के अंदर इसकी समझाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भी समझा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को आज ऐसे एक सीक्वेंस के साथ स्टेप बाई स्टेप समझाऊंगा कि आप लोगों की कन्फ्यूजन्स भी दूर हो जाए और मज़ीद भी आप लोगों को समझ आ जाए कि भाई हमने असल में इसमें किया क्या था, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अली एक्सप्रेस के ऊपर आ जाऊँगा। अली एक्सप्रेस के ऊपर आने के बाद ये देखें, ये वो वॉच है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी, और उसमें मैं आप लोगों को सिर्फ सिखा के लिए मैंने इस वॉच के ऊपर मतलब कि कमीशन हासिल किया है, ठीक है। ये सारा $12 मुझे इस वॉच के अगेंस्ट ही मिला है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूं, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो अभी आप लोग देखेंगे यहां पे ये प्रोडक्ट जो है ये ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। यहां पे अब आप लोगों को ना इसकी यहां पर ये देखें तो इसकी सारी इमेजेस आप लोगों को यहां पर मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे अगर आप लोग करते जाएं तो यहाँ पे इसकी आप लोगों को वीडियोस भी मिल जाएंगी, ठीक है। अगर इसकी वीडियो नहीं मिलती तो कोई और प्रोडक्ट सिमिलर मिलता जुलता उठा लेना जिसके अंदर आप लोगों को इसका वीडियो भी मिल जाए, ठीक है, या इसकी प्राइस ज़्यादा भी हो तो कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है। ये $4 वाली है, इसको आप लोग उठा लें, या उसके बाद जो जितनी महंगी वॉच होगी, ये देखें $0.8 की टोटल चल रही है, ठीक है। जितनी ज़्यादा महंगी होगी उतना ज़्यादा ही आप लोगों का इसमें एफिलिएट कमीशन आएगा। वो सारा कमीशन कैसे आएगा, अकाउंट कैसे बनेगा, टेंशन नहीं लेनी, हर चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने ये एक वॉच उठाई और इसमें हम ज़रा देख लेते हैं कि इसमें वीडियो दी हुई है या नहीं दी हुई। जी तो ये जो वॉच मैंने निकाली है इसके अंदर बिल्कुल वीडियो भी दी हुई है और इसके अंदर सारी इमेजेस भी दी हुई हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे ये आप लोगों को इस साइड पे इसकी वीडियोस भी नज़र आएंगी, ठीक है। ये पहली वाली आते हैं तो ये देखें ये वीडियो है, ठीक है। अच्छा अब आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मुझे डाउनलोड इमेजेस एंड वीडियोस की ऑप्शन आ रही है, आप लोगों को नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने जस्ट क्रोम की सेटिंग्स के अंदर जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा एक्सटेंशंस, एक्सटेंशंस पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे मैनेज एक्सटेंशन के ऊपर आएंगे, मैनेज एक्सटेंशन पे आने के बाद यहाँ पे ये एक एक्सटेंशन है अली मीडिया, अली एक्सप्रेस इमेज एंड वीडियो डाउनलोडर, इस एक्सटेंशन को आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये सारी चीज़ें नजर आती जाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रोडक्ट की वीडियो, प्रोडक्ट मेन इमेजेस कुछ भी उठाना चाहते हैं तो मैं प्रोडक्ट की वीडियो उठा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने वीडियो उठा ली, तो जैसे ही हमने उसकी वीडियो डाउनलोड की वो हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ गई, डाउनलोड्स के अंदर आ गई, ये हमारे सामने आ गई है वीडियो, ठीक है। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, इस डाउनलोडेड वीडियो को आप लोगों ने किसी भी अपने एडिटर के अंदर डाल लेना है, लाइक मैं काइनमास्टर में डाल रहा हूँ, या VN में डाल रहा हूँ, कैपकट में डाल रहा हूँ, या उसके बाद आप लोगों के पास अगर Adobe प्रीमियर है तो Adobe प्रीमियर में डाल रहे हैं, तो जस्ट सिंपली मैं इसको Adobe प्रीमियर में डाल रहा हूं, ठीक है। यहां पे ये देखिए मैंने वीडियो डाल दी उस घड़ी की, ठीक है। यहां पे ये डालने के बाद आप लोगों ने सिंपली यहां पे एक छोटा सा टेक्स्ट मेंशन कर देना है और आप लोगों की जान छूट जाएगी। तो भाई मैंने इसके ऊपर सिंपली मेंशन कर दिया बाय दिस प्रोडक्ट चेक बायो, ठीक है। ये काम करने के बाद सिंपली आप लोगों ने इसी वीडियो को कर लेना है सेव, ठीक है। चाहे आप लोग काइनमास्टर यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप लोग VN यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप लोग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, या मतलब कि जो भी आप लोग एडिटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये काम करने के बाद आप लोगों ने सिंपली इसको सेव कर लेना है, मैं इसको कर रहा हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव। तो जितनी देर में ये सेव होता है, इसको अगर आप लोग मजीद सेव करना चाहते हैं, मतलब कि कोई कॉपीराइट का इशू ना है, तो यहाँ पर छोटी सी अपनी एक पिक्चर भी लगा दें, रिएक्शन टाइप वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो उससे ज़्यादा सेफ हो जाता है, ठीक है। उस वक्त उसके बाद आप लोगों ने सिंपली आना है यहाँ पर अल्लाह भला करे अपना टिकटॉक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है अपना फेसबुक के ऊपर,
और फेसबुक के बाद आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है अपने इंस्टा के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ये तीन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप लोगों ने आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने ये नहीं कि अन्य वाह उठा के आप लोगों ने वीडियो डाल देनी है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को अपना बायो जो है उसको बेस्ट करना पड़ेगा। बायो के ऊपर ही ये देखें, जैसे मैंने heylink.me के ऊपर, इसके अंदर आप लोग डिफरेंट लिंक्स दे सकते हैं heylink में, ठीक है। वो भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, नहीं पता तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को। heylink.me इसका गूगल एडसेंस का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने अली एक्सप्रेस का प्रोडक्ट दिया हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं से क्लिक होके गए और यहाँ पे जाके मेरी बाइंग हुई है और मेरी यहाँ से अर्निंग हुई है, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं और मैं इसको ज़रा लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने इसके ऊपर हल्का सा 2 मिनट लगते हैं अकाउंट बना लेना है। heylink टाइप करेंगे, आ जाएगा आप लोगों के सामने। अब हमने जो प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है, सॉरी चूज़ किया है, उस प्रोडक्ट की हम एक इमेज भी उठा लेते हैं। डाउनलोड मेन इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं, ये जिप फाइल के अंदर सारी इमेजेस उठा के ये देखेंगे डाल रहे हैं, ठीक है। या बगैर जिप के भी हो सकते हैं, ये डाल दें। तो ये देखें, ये इसने इमेजेस उठा के डाल दी। अब हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आना है अपने heylink के ऊपर। heylink के ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखें, अभी हमें कह रहा है कि भाई अपना नया लिंक यहाँ पे पेस्ट करो। तो हमने सिंपली यहाँ पे वापस जाना है इस जगह पे। तो ऊपर ऊपर यहाँ पे देखें आप लोग, तो हमें इसका लिंक नज़र आ रहा है, ठीक है, ये टेक्स्ट में, ये इमेज में। तो हमने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे गेट लिंक के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारा नीचे लिंक आ गया। इसको सिंपली आप लोगों ने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे वापस आना है, यहाँ पे आके आप लोगों ने अपना लिंक पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आप लोगों ने ऐड न्यू लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोगों का एक नया लिंक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी आप लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहाँ पे इमेज की ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। अपलोड योर ओन इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डाउनलोड्स में जाऊंगा और डाउनलोड्स में ये जो अभी इमेजेस आई हैं, ये देखें, फॉर एग्जांपल ये है कोई भी आप लोगों को पसंद आ रही है, मुझे ये आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे ये इमेज आएगी, इसको मैं कर लूंगा सेव। तो यहाँ पे अब आप लोगों के साथ इमेज का आइकन भी दिखाएगा, ठीक है। और ऊपर से जो ये मेन क्लिक लिंक है ना, ये हमारा असल लिंक होगा, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखें तो मैंने अपने टिकटॉक की बायो में इसको दिया हुआ है सिंपली, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे वही वीडियो, ये यहाँ पे जो रेंडर हो चुकी है इसको हम जरा देख लेते हैं। ये यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, इसको हम ज़रा हम प्ले करते हैं। वैसे हम अगर इसको टिकटॉक के फॉर्मेट में अगर सेव करते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता, लेकिन चलें फिर भी देख लें आप लोग, ठीक है। बाय दिस प्रोडक्ट चेक बायो, ठीक है। अब चेक बायो के अंदर ये देखें कितनी ज़बरदस्त उसने वीडियो सारी डाल के दे दी हमें, ठीक है। और ये देखें, ओए हाय हाय, ठीक है। ये काम करने के बाद सिंपली आप लोगों ने अपनी बायो के अंदर जो लिंक देना है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, तो heylink का, क्योंकि उसके अंदर आप लोग बहुत सारे मल्टीपल्स लिंक लगा सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़ फेसबुक की रील्स के अंदर अपलोड कर रहे हैं, सेम एज इट इज़ इंस्टा की रील्स के अंदर आप लोगों ने अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट को एक वीडियो बनाएंगे, उसको तीन जगह पर आप लोगों ने अपलोड कर देना है और लिंक के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर या बायो के अंदर आप लोगों ने heylink का लिंक दे देना, क्योंकि उसके ऊपर आपके सारे प्रोडक्ट, 50 प्रोडक्ट लगाएं, 50 के 50 प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर दें, ठीक है। तो उसका क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट सेल आउट होगा उसका कमीशन ये इस जगह पे आप लोगों को मिलता रहेगा, ये इस जगह पे, ठीक है। अभी आप लोगों के आंखों के सामने ही ये सब कुछ हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया भाई, आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इसी तरीके से ही सारी, ये देखें $11.51 की यहाँ पे एस्टिमेटेड अर्निंग जो है वो फिक्स हो चुकी है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये सारा प्रोसेस, ये जो सारा इसने काम समझाया, ये जो अली एक्सप्रेस का एफिलिएट डैशबोर्ड है, ये हम कैसे बनाएंगे, अच्छा क्वेश्चन है। इस काम के लिए सिंपली मैं सारी चीज़ें रिपीट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीज़ें बता चुका हूँ। तो आप लोगों ने आ जाना है यूट्यूब पे, तो आप लोगों ने सिंपली यूट्यूब पे आ जाना है। यूट्यूब पे आके आप लोगों ने लिखना है कि अली एक्सप्रेस शफीक जाफरी, ठीक है। यहाँ पे ये जो मेरी वीडियो आ रही है ना, कॉपी करो, पेस्ट करो, वन लिंक इज इक्वल टू इतना, ठीक है। ये वाली वीडियो आप लोगों ने देख लेनी है, इसके अंदर मैंने प्रॉपर तरीका बताया हुआ है कि अली एक्सप्रेस का एफिलिएट अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट्स को कैसे कॉपी करते हैं, प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कैसे करते हैं, सारा कुछ मैंने इसके अंदर तसल्ली से बताया हुआ है, ठीक है। अगला जो प्रोसेस करना होगा वो मैंने इस वीडियो में जो देख रहे हैं इसमें बता दिया है, लेकिन जो स्टार्ट वाला प्रोसेस है वो सारा इसके अंदर मैंने दिया हुआ है कि आप लोगों ने अकाउंट कैसे बनाना है। कोई आप लोगों को OTP का मसला नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा। एक बार अकाउंट बनाना है, एक बार आप लोगों ने 300-400 प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर देनी है अपने टिकटॉक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। आप लोगों के आंखों के सामने यार कि मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे ये अर्निंग बनी पड़ी थी, ठीक है। तो आप लोग, एक प्रोडक्ट के ऊपर मैंने काम किया था, आप लोगों ने 300-400 प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आप लोग काम कर देते हैं, आप लोगों की वीडियोस डाल देते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो आप लोग खुद सोचें कि भाई आप लोगों का रेवेन्यू जो है वो कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, लाजमी से इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान, पाइंदाबाद।